ओ हेलो मिस्टर, मैं किसी दानिश को नहीं जानती। अरे जान जान पहचान तो होती रहेगी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने डायलॉग मार दिया, ओ हेलो, बट मुझे टाइगर श्रॉफ पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो आपके लिए दिलवाले फिल्म के राज भी बन जाएंगे अगर तुम शिमरन बनने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी अनजान लड़की से कैसे बात करनी चाहिए और उस फर्स्ट टाइम में क्या मैसेज करना चाहिए और क्या क्या डायलॉग उस पर बोलने चाहिए जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद मैंने इसके वो मैसेज किया, ट्रिकी मैसेज किया जिससे वो रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, जो जो मैंने मैसेज किया इसके, तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या मैंने इसको मैसेज किया और क्या क्या बातें हुई हमारे बीच। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने मैसेज उसको किया, है ब्यूटीफुल, आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। तो दोस्तों, हमें सबसे पहला मैसेज जो करना है वो हमें ट्रिकी करना है जिससे वो इम्प्रेस हो, या तो इम्प्रेस हो या कन्फ्यूज हो, जिससे कि वो रिप्लाई करने में मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा मैसेज करना है जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता रखा है कि उसको ट्रिकी मैसेज करना है या क्वेश्चन पूछना है, कुछ ऐसे ही हमें पहला मैसेज कुछ ऐसा करना है, क्योंकि अगर वो सीन करके छोड़ देगी ना तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और दोबारा हमारी मैसेज करने की भी हिम्मत नहीं पड़ने की उसको। तो उसकी तरफ से रिप्लाई आ ही गया आखिरकार, हेलो कौन, वैसे तो मेरा नाम दानिश है लेकिन हम आपके फ़ैन हैं जी। मेरे फैन मतलब मेरी, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ। तो किसी सेलिब्रिटी से कम भी तो नहीं हो। शुरू में मैंने इसकी तारीफ़ कर दी तो थोड़ा ये भी खुश हो जाएगी, इसलिए मैंने इसकी तारीफ़ कर दी। ओ हेलो मिस्टर, मैं किसी दानिश को नहीं जानती। अरे जान पहचान तो होती रहेगी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने डायलॉग मार दिया, ओ हेलो, बट मुझे टाइगर श्रॉफ पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो आपके लिए दिलवाले फिल्म के राज भी बन जाएंगे अगर तुम शिमरन बनने के लिए तैयार हो जाओ। वेरी फनी यार, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्यों, क्या हो गया? आपको अपनी अपनी शुरू में अपनी अपनी बात करती रहनी है, क्योंकि वरना ये अपनी ये पूछेगी कि तुम कौन हो, ये फलाना है ढिकटा है, ये पूछती रहेगी, इसलिए अपनी अपनी पक्षपाती करते रहो थोड़ी देर। तो फिर आप इससे अच्छी कन्वर्सेशन कर लेना बाद में। मेरा दिल चोरी हो गया है और मैंने उसको इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा था। कैसे हुआ? तुम्हारे ब्यूटीफुल फोटोज़ देख रहा था मैं, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा जी, और सुनो, अपनी नज़र उतरवा लेना, हो सकता है आपको मेरी नज़र लग गई हो। ओहो, डायलॉग पे डायलॉग, इंटरेस्टिंग, कहाँ से लाते हो ये सब? थोड़ी तो इम्प्रेस हो ही गई आखिर ये। हम तो कहीं से नहीं लाते, ये तो निचले दिल से निकल रहे हैं आपको देखकर। अच्छा जी, एक बात बताऊँ, सच में AK-47 की ज़रूरत तो हम लोगों को पड़ती है, तुम्हारी तो आंखें ही काफ़ी है कत्ल करने के लिए। पूछो, बुरा नहीं मानूंगी। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नो, बिल्कुल नहीं, थैंक गॉड। मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, अगर मैं टूटे हुए तारे से भी गर्लफ्रेंड मांग लूँ ना तो तारा वापस जाकर वहीं चिपक जाता है, इस कदर सिंगल हूँ मैं। बहुत खुश हो रही है, बहुत हंस रही है, कसम से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, मेरा मजाक ले रही हो? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड बनने वाली है जल्द ही। अच्छा जी, कौन है वो, बताएंगे जल्दी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं तुमको प्रपोज करूँ तो आप मुझे झाड़ू से मारोगे या बेलन से? जान से मार दूंगी अगर ऐसा किया तो। मार लेना यार, मुझे ब्यूटीफुल लड़कियों से मार खाना अच्छा लगता है। वैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो तुम, लगता नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। माना कि दिल सागर है मेरा, पर कसम आपकी यहाँ कोई भी मछली नहीं है। ओहो वाओ यार, गजब, कसम से बंदे बड़े कमाल के हो तुम। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप बुरा ना माने तो क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो दोस्तों, मैंने इसको अपना दोस्तों बना लिया है, तो ये इम्प्रेस भी हो गई मेरे से बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा। तो
तो दोस्तों अगर आप 10-12 दिन तक इससे ऐसे ही बातें करते हैं तो रहेंगे तो फिलहाल तो ये इम्प्रेस हो गई है, और 10-12 दिन तक ऐसे ही बातें करेंगे तो वो भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। फिर इसको आप प्रपोज भी कर सकते हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, जिससे मेरी नई वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी।